नमस्कार, मैं हूं जसवंत कंडेला और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे इंडिया। इसमें मौजूद हम जींदी के अंदर। आज देख सकते हैं हजारों की संख्या में ट्रैक्टर प्रदर्शन आज किसानों द्वारा किया गया है जींदी के अंदर। और ये ट्रैक्टर शक्ति प्रदर्शन आज इस काफिले का नाम रखा गया है। ये प्रदर्शन के बारे में हम किसान हैं उनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार पल्लव, आपका धन्यवाद है। सर क्या नाम है? मेरा नाम रामनाथ जी पोखर खेड़ी, जिला प्रवेश वर्ता, भारतीय किसान यूनियन जींद। जी, आज जींद के अंदर आधारों की संख्या में जो ट्रैक्टर प्रदर्शन किया गया, ये किस विषय पे आज प्रदर्शन किया गया है? ये तो मतलब सरस्वती राम की आज पुण्यतिथि थी, उसके बारे में टेलर है दिखाया है सरकार को। जी जी, और आगे की क्या एक्टिविटी रहेगी? जैसे कि 26 जनवरी है और परेड होगी, तो वहाँ उसमें किस प्रकार की आगे की रणनीति रहेगी? आगे की जो 26 जनवरी है वहाँ परसों का मतलब लेकर टेलर दिखाया था और उधर फिल्म दिखाई जाएगी। उस दिन अपने देश के 1.5 लाख के ट्रैक्टर वहाँ मखमली सड़कों पर दिल्ली चलेंगे और उसमें पहले जो टारगेट 20,000 महिलाएं का था, 40,000 महिलाएं खुद ड्राइवर करके तिरंगा लगा के दिल्ली जाएंगी। और रही जिंदगी की बात है, जिस तरह पहले झंडा लहरा दे हर एक डिस्ट्रिक्ट में मंत्री संतरी, वहाँ भी किसान या मजदूर का बेटा झंडा लहराएगा गरीब से गरीब। तो आज हजारों की संख्या में ट्रैक्टर आज जींद के अंदर, ये जींद डिस्ट्रिक्ट के हैं या पूरे हरियाणा से आए? ये केवल जींद डिस्ट्रिक्ट के हैं। वैसे तो आज महेंद्र सिंह टिकेत की उसकी महेंद्र सिंह टिकेत का लड़का राकेश टिकेत है, उसकी सोनीपत आज मीटिंग है। मैं वहाँ को लगा कुछ बंदे तो वहाँ भी भेज दिए किसान, मेरी ड्यूटी यहाँ लगी थी। जी जी जी, तो क्या मैसेज आप देना चाहोगे इसमें? केंद्र सरकार जो अपने लगातार अपने जो आड़ी हुई चीज पर और जो कानून है इनको रद्द करने की बजाय इनके अंदर संशोधन करने की बात कर रही है। ये तो आप देख लो, नशा है मतलब ये क्रांति है। आप देख लो 36 जात है, इसमें छोटा दुकानदार छोटा व्यापारी और सब मतलब सारे धर्म ये एक है। एक सरकार को और इनके ये अंडानी मानी को छोड़ के 90% देश एक हो चुका है। और 26 जनवरी की बात हुई, यहाँ जिन तक भी लारा लग जाएगा, 5-6 करोड़ किसान कुछ करेंगे। मतलब उस टाइम क्या होगा, जिस तरह रात को चौकीदार रहता है नहीं, ऐसे काम में चौकीदार के हिसाब पे छोटे देंगे, बाकी ताले मार के मतलब सारे छोटा बच्चा बुढ़ा सारे वहीं जाएंगे। जी जी जी, तो अभी 26 जनवरी की दिल्ली की क्या तैयारी है? क्या 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर जाएंगे ट्रैक्टर? हाँ, बोल तो दिया 1.5 लाख ट्रैक्टर है दिल्ली कूच करेंगे, उसमें आगे ड्राइवरी करके महिला 40,000 आगे चलेंगी दिल्ली की मखमली सड़कों पर। हर जब पानी की बौछार करी या और आंसू घास के घोड़े छोटे, उस दिन तिरंगा होगा ना, उस दिन मांग होगी सिर्फ तिरंगा होगा। अगर पानी की बौछार आंसू घास के घोड़े छोटे दो, उस दिन इम्तहान होगा देशद्रोही कौन है। जी, अभी आपको सामने दिखा रहे हैं इतने सारे बिल्ले और पीछे भी इन्होंने बिल्ले लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। सर ये बताइए कि कितने बिल्ले हैं टोटल? ये बिल्ले 40 बिल्ले हैं। इनका मकसद ये है, टोटल है किसानों का संगठन है अपने देश में 450 संगठन है और 40 इसलिए लगाए हैं केंद्र सरकार में वार्ता के लिए। 40 बार संगठनों का किसान नेता जाते हैं, इसलिए मैंने इनके सबके लगाए हैं। और ये मैन बिल्ला है, इसके बारे में पूछो। ये भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक, ये पुराना बिल्ला इसलिए है। इस बिल्ले को लाके मैं महेंद्र सिंह टिकेत के साथ यूरोप की 11 देशों की यात्रा कर चुका हूँ। अच्छा जी, अच्छा। यहाँ जींद का जिक्र करती हूँ, 1999 में 21 फरवरी को उगा ग्राउंड में यहाँ महेंद्र सिंह टिकेत की अध्यक्षता में 4 लाख किसान आए हुए थे और यूरोप के 3 देशों किसान आए थे, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। उन्होंने डिमांड करी और यूरोप में आओ, इंडिया का इंडिया किसान और हमारी मदद कीजिए। वहाँ जिस तरह महाभारत मच रहा है, 3 काले कानून वहाँ भी लागू करेंगे। फिर उसके बाद 20 मई को मैं दसवीं टिकेत के साथ हवाई जहाज में 750 किसान यूरोप के देशों में गए थे, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड। वहाँ इन काले कानूनों को हम वापस कराए थे और ये तो हमारे भाई आता अकेला, हम वहाँ भी यूरोप के देशों में कराए थे वापस। तो सरकार बोल रही है भी संशोधन कर सकते हैं, इनको रद्द नहीं किया जाएगा ना? ये संशोधन सीधा निशाना है,
वापिस बिल वापिस तो किसान वापिस संबोधन और नहीं होएगा। किसान को यहाँ पूछा था उसमें तो ये होता है एक दो वाला रोड़ा हो गया इनकी सिर की चीज है उसमें पंचायती जाओ उसमें तो जे ये तो किसान पूछा ही नहीं इनके अपने उसमें करे है। वैसे लिखने वाली कांग्रेस है महाराणा के कुत्ते हैं सारे जितने राजनीतिक है नहीं ये कुत्ते हैं। वहाँ दिल्ली किसी राजनीति को नहीं नहीं पढ़ने कुछ नहीं देते। वहाँ गरीब बोलता है गरीब का बेटा बोलता है मजदूर का किसान का। वहाँ लैंडलॉर्ड थी पसंद नहीं देते दे। वहाँ गए भी थे ये चुटल लगाया था और उड्डा भी कहा था और ये उसका राहुल गांधी का लड़का और राहुल लगाया था वहाँ इजाजत नहीं देते बोलने की और यहाँ अपने जींद में यहाँ सुरजाड़ा था उसको मना कर दिया ना नमस्ते मार दे दूसरे देश का काम कर दिया और यहाँ भी झंडा लहराएंगे नहीं। यहाँ किसान का मजदूर का बेटा जींद में झंडा लहराएगा। और रही कल की बात कल मुख्यमंत्री के खुद डिस्ट्रिक्ट में गरुंडाल कम है गांव में उसकी रैली है और वहाँ स्टेज तैयार कर दी। उस स्टेज पर मुख्यमंत्री रैली नहीं होगी वहाँ रात के 12 बजे किसान का कब्जा हो जाएगा जिस तरह 10 दिन पहले भिवानी में हुआ था। जी 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 तो लगभग कितने ट्रैक्टर हो गए? लगभग ये ट्रैक्टर 4000 के करीब है। जी हाँ जी तो जैसे कि अभी हमने बात की और आप देख सकते हैं लगातार लगभग 40 से भी ज़्यादा इन्होंने बिल्ले अपने शरीर पे अपने कपड़ों पे लगाए हुए हैं और ये एक किसानी का प्रतीक है। और इन्होंने कहा कि लगभग 4000 से ज़्यादा जो ट्रैक्टर जींद के अंदर है और जींद के अंदर ट्रैक्टर शक्ति प्रदर्शन का ऐसे प्रोग्राम को रूप दिया गया है जो 26 तारीख को परेड होने वाली दिल्ली के अंदर उसमें ये हिस्सा लेंगे। लगभग 1.5 लाख जो ट्रैक्टर है यहाँ से दिल्ली कूच करेंगे और जो दिल्ली के अंदर परेड है उसमें हिस्सा लेंगे। तो जसवंत कंडेला के साथ बने रहिए और आगे की भी हम कवरेज आपको दिखाएंगे। तो अभी और भी किसानों से बात करेंगे।